अवैध रूप से बन रही कच्ची शराब पर पुलिस का अमला कार्रवाई करने तो पहुंचा। कार्रवाई में 15 से 20 क्विंटल महुआ लाहन भी नष्ट किया और लगभग 15 लीटर कच्ची शराब भी पुलिस ने जब्त की। लेकिन इस कार्रवाई में शराब ठेकेदार के लोग पुलिस के हमराह बने नजर आए। पुलिस की टीम से ज्यादा सक्रियता शराब ठेकेदार के लोगों की रही। थाना सिवनी मालवा का पुलिस स्टाफ तो इस पूरे मामले में सहयोगी की भूमिका निभाता नजर आया। मामला है होशंगाबाद जिले की सिवनी मालवा तहसील का, जहां थाना सिवनी मालवा की पुलिस टीम ने शहर के कुछ बंदिया मोहल्ले में कार्रवाई तो की, लेकिन पूरे घटनाक्रम में पुलिस का शराब ठेकेदार के लोगों के साथ सहयोगी की भूमिका में नजर आना पूरी कार्रवाई पर कई सवाल खड़े करता है। अवैध रूप से बन रही कच्ची शराब पर कार्रवाई तो ठीक है, लेकिन शराब ठेकेदार के गुर्गों के साथ मिलकर यह कैसी कार्रवाई रही होगी, यह तो स्पष्ट नजर आता है। कार्रवाई में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का मार्गदर्शन तो बताया जा रहा है, लेकिन मौके पर तो ठेकेदार के गुर्गे पुलिस का मार्गदर्शन करते नजर आए। ऐसे में समझा जा सकता है कि पूरी कार्रवाई में असल मार्गदर्शन किसका रहा होगा। गांव-गांव अवैध रूप से शराब की बिक्री भी जोरों पर है। समझा जा सकता है कि गांव में शराब कौन और किसके लोग शराब भिजवा रहे हैं। हालांकि गांव-गांव बिक रही अवैध शराब के लिए पुलिस को वरिष्ठ अधिकारियों का मार्गदर्शन न जाने क्यों नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण गांव-गांव बिकने वाली अवैध शराब पर रोक लगने की बजाय बढ़ती जा रही है। गांव-गांव में बिकने वाली अवैध शराब आने वाले समय में कहीं हिंसक रूप न ले ले, जिसकी परिणति विगत दिनों डोलरिया थाना क्षेत्र में देखने को मिली। बावजूद इसके पुलिस और प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी और अमला अभी तक मूक दर्शक बना बैठा हुआ है। देखिए, हमें लगातार सूचना मिल रही थी कि जेल रोड पर कुछ बंदिया मोहल्ले में कुछ लोग बड़े स्तर पर अवैध महुए की कच्ची शराब का निर्माण कर रहे हैं और विक्रय कर रहे हैं। काफी समय से सूचना मिलने पर हमने इसकी मुखबिर से जानकारी लगाई और मुखबिरों से पुख्ता जानकारी मिलने के बाद वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश मिलने पर एसडीपी महोदय के सिवनी मालवा के निर्देशन में आज हमने यहाँ पे रेड कार्रवाई अपनी टीम के साथ की है। और इससे बड़ी मात्रा में हमें कच्चा महुए का लहान गला हुआ मिला, जिसे हमने मौके पे नष्ट किया। करीब 15 से 20 क्विंटल, 25 क्विंटल भी हो सकता है, इतना महुए का लहान हमने मौके पर नष्ट किया है। और 15 से 20 लीटर शराब, कच्ची शराब हमें वहाँ पे मौके पर जब्त हुई। एक महिला आरोपी को भी हमने अभी मौके से गिरफ्तार किया है।